वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर। दमोह जिले के जबेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोरता में एक परकुलेशन टैंक में नहाने गए साथियों के साथ युवक तालाब में डूब जाने के बाद सबका पता नहीं चला। वहीं साथी को बचाने के लिए तालाब में गए दूसरे युवक की हालत गंभीर होने की वजह से जबेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया। वहीं तालाब में डूबे युवक की तलाश देर रात जारी रही। घटना पहुंचने पर युवक की तलाश की गई। तालाब किनारे कपड़े और जूते चप्पल नजर आए। इसके बाद परिजनों के द्वारा तालाब में युवक की जानकारी शासन प्रशासन को नहीं देते हुए खुद युवक को तालाब में ढूंढने का प्रयास करते रहे और तालाब में उतरे गोताखोर तालाब में पानी अधिक होने की वजह से युवक को नहीं खोज पाए और जेसीबी भी युवक की तलाश की गई, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। शाम को जानकारी लगते ही जबेरा तहसीलदार के साथ प्रशासन मौके पर पहुंचा और डूबे हुए युवक का रेस्क्यू देर रात नहीं हो पाया। सुबह युवक की तलाश की जाएगी। जबेरा से मयंक जैन की खास रिपोर्ट।